एक बार की बात है, मैं कुछ साल पहले अपनी फैमिली के साथ वैष्णो देवी मंदिर जा रहा था। तो हम मंदिर जाने के लिए जिस ट्रेन में बैठे थे, जिस बोगी में हम बैठे थे, वहाँ और भी लोग थे। और कुछ ऐसे लोग नहीं होते हैं जो बहुत सवाल करते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर बोलते थे कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है तो क्या जवाब दोगे। हमें लगता था कि पेपर के अलावा और कौन ही ये सवाल पूछेगा, बट नहीं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत सवाल करते हैं, जैसे कि कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे। वैसे तो मैं इन सवालों का जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन हमारी बोगी में कुछ लड़कियां भी थी जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने एक अंकल के सवाल का जवाब दिया। अंकल ने पूछा, और कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, जी मैं वैष्णो देवी मंदिर जा रहा हूँ। फिर अंकल ने कहा, ओ मंदिर जा रहे हो, हिंदू हो? मैंने कहा, हाँ जी अंकल। फिर उन्होंने कहा, अरे आजकल तो बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें अपने धर्म कर्म के बारे में पता होता है, क्या तुम्हें पता है? मैंने फुल कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ अंकल। तो उन्होंने कहा, तो बताओ। मैं बिना कुछ सोचे समझे तोते की तरह शुरू हो गया, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली खेलते हैं, हम रक्षाबंधन मनाते हैं। और फिर आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर अंकल बोले, अरे बेटा ये तुम्हारे फेस्टिवल हैं। मैंने कहा, हाँ हम हिंदुओं के फेस्टिवल। अंकल ने कहा, बेटा ये तो कोई विदेशी भी बता देगा कि तुम दिवाली मनाते हो, होली खेलते हो। फिर बगल से एक आदमी आया जो हमारी बातें सुन रहा था, वो हंसते हुए बोला, अरे ये हिंदू बस पूरे साल बस फेस्टिवल ही बनाते रहते हैं, और कहने को तो इनका धर्म बहुत पुराना है पर इन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इतना सुन के मेरा मुंह बन गया, मुझे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। मन किया कि उसको मार मार के मोर बना दूं, पर नहीं, पास में लड़कियां थी और फैमिली भी थी। सो तब से मुझे लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हर हिंदू को पता होना चाहिए, जैसे कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है, हिंदू धर्म ओरिजिनेट कब हुआ, व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ हिंदुइज्म, हु आर द की गॉड्स एंड गॉडेस इन हिंदुइज्म। कुल मिलाकर ऐसे कई क्वेश्चन हैं, पर मैंने कुछ ही सिलेक्ट किए और लास्ट वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने कानों को खोलो, अगर स्टूडेंट हो तो पेन और कॉपी निकाल के वीडियो ध्यान से देखो। मैंने कहा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। तो पहला क्वेश्चन है कि आखिर हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई। लेकिन इस सवाल से पहले तुम्हें ये पूछना चाहिए कि हमारे इस धर्म को हिंदू ही क्यों कहते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि हमारे पूर्वज हमारे इस धर्म को हिंदू धर्म कहते थे, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि हम हिंदू हैं। नहीं, बल्कि वो खुद को सनातनी कहते थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आखिर हिंदू क्यों? तो इसका जवाब सुनो। हिंदू शब्द नॉर्दर्न इंडिया में बहने वाली नदी इंडस से लिया गया है। पुराने टाइम्स में इस रिवर को सिंधु नाम से जाना जाता था, लेकिन जब पर्शियन इंडिया आते हैं तो वो इसे हिंदू कहते हैं और यहाँ के लैंड को हिंदुस्तान और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू का नाम देते हैं। इस तरह हिंदू शब्द को पहली बार 6th century BC में पर्शियन ने यूज किया था। उस समय हिंदुइज्म शब्द एक कल्चर से ज्यादा जियोग्राफिकल लेवल हुआ करता था। फिर बाद में आगे चलकर इसे हिंदू उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाने लगा। और माना जाता है कि पहली बार 1617 में राजा राम मोहन राय ने अपने धर्म को हिंदुइज्म बताया था। तो अब तुम समझ गए होगे कि आखिर हिंदू क्यों। खैर ये तो बस एक शब्द है जो बहुत बाद में आया था। जैसे कि हम पहले पानी को जल कहते थे, फिर बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने कहा वाटर, तो अब हम वाटर कहते हैं। कहने का मतलब है कि पानी को पानी बोलो या वाटर, बात एक ही है। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हिंदू धर्म कब आया। तुम्हें याद है अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पूर्वज हमारे धर्म को सनातन कहते थे। वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि सनातन धर्म, जिसका मतलब है कि ऐसा धर्म जो हमेशा से है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये तो रही मानने वाली बात, हमारी मान्यताएं, बट रिसर्च क्या कहती है। हिंदुइज्म दुनिया के सबसे पुराने धर्म में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई इसकी कोई डेफिनेशन नहीं मिलती है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व और वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राचीन हिंदू धार्मिक प्रथाओं के प्रमाण मिलते हैं। इस सभ्यता के अवशेषों में मूर्तियां और मोहरे मिली हैं, जिनके कुछ प्रतीक आज भी हिंदू धर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि स्वास्तविक। ये सभ्यता मध्य एशिया से आए लोगों द्वारा स्थापित की गई थी, जो मैंने तुम्हें बताया था, और इसका विस्तार पाकिस्तान के वर्तमान क्षेत्र में था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे प्राचीन नगरों के खंडरों में इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, और सही तरीके से इसकी शुरुआत कुछ समय बाद वैदिक काल से हुई थी। इस दौरान ऋषियों द्वारा रचित वेद लिखे गए थे। ये वेद ही हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म का उद्गम काल निश्चित नहीं है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत इंडस घाटी सभ्यता से मिलते हैं और वैदिक काल से भी। आज दुनिया के लगभग हर कोने में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जिसमें से 90% इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो अब पहले क्वेश्चन के बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ हिंदुइज्म। सो अगर तुम हिंदू हो तो तुमने अपनी लाइफ में कई बार कर्म के बारे में सुना होगा,
जैसे कि एक कहावत है, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। और मोक्ष के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। ऐसे ही हिंदू धर्म में लाइफ के चार एम्स बताए गए हैं, जो कि है धर्म, कर्म, संसार और मोक्ष। चलो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। धर्म, धर्म का अर्थ है कर्तव्य या जिम्मेदारी। ये बताता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्म का अर्थ क्रिया या कर्म होता है। यह हिंदू धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो बताता है कि हमारे हर कर्म का फल हमें इस जीवन में मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। कर्म का फल इस जीवन में या अगले जीवन में भी मिल सकता है। संसार, संसार का अर्थ है दुनिया या जन्म मृत्यु का चक्कर होता है। हिंदू धर्म में मानता है कि आत्मा जन्म लेती है, मरती है और फिर से जन्म लेती है। ये चक्कर तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति होता है। ये हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये चार चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। धर्म का पालन करने से व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है और संसार से मुक्ति मिलती है। तो इसी के साथ अब तुम हिंदुइज्म के बारे में काफी लोगों से ज्यादा जानते हो, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे तुम ये बताओ, तुम किस भगवान को मानते हो, नीचे कमेंट कर देना। अब तुम सोच रहे होगे कि वीडियो के बीच में मैंने ये सवाल क्यों पूछा, तो इसलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन है हमारा, हु आर द की गॉड्स एंड गॉडेस इन हिंदुइज्म। हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवता कौन है? वैसे तो हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें खास तौर पर पूजा जाता है, जिनमें सबसे पहले वैदिक पीरियड में जहां इंद्र को मेजर गॉड की तरह पूजा जाता था, वहीं बाद में त्रिमूर्ति की अवधारणा आई। इसके अनुसार तीन मेजर देवता होते हैं, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता। ध्यान दें, यहां संहार का मतलब सिर्फ विनाश नहीं है बल्कि परिवर्तन भी है। और इसके अलावा हिंदुइज्म में फेमिनाइन एनर्जी की पूजा की जाती है, जिसे शक्ति के नाम से जाना जाता है। और तुम्हें पता है, किसी और दूसरे रिलीजन में गॉड को स्त्री रूप में वर्शिप नहीं किया जाता है। और हिंदुइज्म में जिन देवी की पूजा की जाती है वो त्रिमूर्ति की पत्नियां हैं, जो हैं ब्रह्मदेव की पत्नी सरस्वती, जिन्हें ज्ञान और कला की देवी कहा जाता है, और भगवान विष्णु की वाइफ लक्ष्मी जी, जिन्हें धन और समृद्धि और सौभाग्य की देवी कहा जाता है, और इसी के बाद भगवान शिव की पत्नी पार्वती, शक्ति की देवी। देवी पार्वती को दुर्गा और काली के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अलावा कई मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेस हैं, जिन्हें अलग अलग एट्रीब्यूट से जोड़ा जाता है, जैसे कि भगवान गणेश, जिन्हें बुद्धि और शुभ आरंभ के देवता माना जाता है, भगवान हनुमान शक्ति और भक्ति के देवता, कार्तिकेय युद्ध के देवता और इंद्र स्वर्ग और वर्षा के देवता शामिल हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर भी कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन इन सबके पीछे एक ही परम ब्रह्म की अवधारणा है, वो सार्वभौमिक चैतन्य जिसने इस सृष्टि की रचना की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले हिंदू धर्म कब आया वाले क्वेश्चन में प्राचीन ग्रंथ की बात की थी, तो अगले क्वेश्चन में हम इन्हीं वेदों के बारे में बात करेंगे। अब तुम कहोगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे, न्यूज में तुमने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि वेदों में ऐसा लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, क्या लिखा है। अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि वेद क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम मेरी वीडियो दिखा देना, नहीं तुम ये कहोगे, हिंदू धर्म के ज्ञान के भंडार श्रुति और स्मृति, ये दो प्रमुख श्रेणियां हैं जिनमें हिंदू धर्म के ग्रंथों को बांटा गया है। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। इसमें ईश्वरीय ज्ञान माने जाने वाले ग्रंथ शामिल हैं, जिनकी रचना का समय बहुत पुराना माना जाता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वेद, जिनमें मंत्र, स्तुतियां और यज्ञ करने की विधियां शामिल हैं। वहीं स्मृति का अर्थ है स्मरण किया हुआ। ये वो ग्रंथ है जिनकी रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। इनमें उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे एपिक ग्रंथ शामिल हैं। उपनिषद वेदों का दार्शनिक भाग है, जो आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसे विषयों पर चर्चा करता है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवी देवताओं की कथाएं, राजवंशियों की हिस्ट्री, धर्म और कर्तव्य आदि विषय शामिल हैं। रामायण और महाभारत महान एपिक काव्य हैं। रामायण भगवान राम की, माँ सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी की कहानी सुनाता है। वहीं महाभारत कौरवों और पांडवों के युद्ध की गाथा है। ये ग्रंथ ही तो हिंदू धर्म की रीढ़ है। अब यहाँ तक हमने बहुत कुछ जान लिया है। हम अपने धर्म को हिंदू क्यों कहते हैं, हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई, हिंदू धर्म के चार स्तंभ कौन से हैं, और हिंदू धर्म के मुख्य देवी देवता कौन हैं, और प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ कौन से हैं। इन पांच क्वेश्चन के अलावा एक आखिरी क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था। अक्सर तुमने देखा होगा कि हिंदू धर्म में काफी सारी रीति रिवाज और परंपराएं हैं, तो जो इन रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या वो हिंदू नहीं है? तो चलो इस बारे में जानते हैं, आखिर हिंदू कौन है। तो कहा जाता है कि आप चाहे भगवान शिव की पूजा करते हो, या कृष्णा की, या फिर किसी देवी के भक्त हो, या शायद किसी की पूजा ना करते हो, या किसी रीति रिवाज या परंपराओं को नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी आप खुद को हिंदू कह सकते हैं।
हिंदू होने के लिए ना तो किसी एक भगवान की वर्शिप करना जरूरी है और ना ही किसी मंदिर में जाना जरूरी है। यहाँ तक कि आपको किसी इंडियन स्क्रिप्चर की स्टडी करना भी मैंडेटरी नहीं है। हिंदुज्म तो सबको अपना मानता है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं तो आप हिंदू ही हैं, और ये बात हमारे इस धर्म को बहुत खास बनाती है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप अपने धर्म को और जानें, जितना हो सके उतना जानें, अपनी परंपराओं और रीति रिवाज को फॉलो करें। ये रीति रिवाज ही तो हैं जो हमें हमारी रूट से जोड़ते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।